क्वेश्चन नंबर 4 डाउट तक मतलब ऑलमोस्ट ये मीटिंग तक आप लोग कुछ बोलना ही मत, ऐसे कुछ टेक्स्चुअल डाउट है। पहला क्वेश्चन है नंबर 4, 3.7 राइट ऑप्शनल, और उसमें क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस एंड इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रो मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जरा ध्यान से देखना राइट, तो जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट, सो क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, हमको फाइंड करना है राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो लेट द नंबर ऑफ रो पहले लेते हैं, नंबर ऑफ रो बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी वाई, मतलब के मान लो कि ऐसे राइट एक रो पूरी है, एक रो में आपकी एक रो में जितने भी स्टूडेंट्स है मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे x इंटू वाई, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x इंटू वाई। सो लेट द नंबर ऑफ रो बी x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी y, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x इंटू वाई, बराबर। अब अकॉर्डिंग टू डेटा पहला केस देखो, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा राइट, फर्स्ट डेटा क्या है, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा मतलब एड करने का, y प्लस 3, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो राइट, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस मतलब के x माइनस 1, तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे x इंटू वाई, माइंड वेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी को निकाला नहीं, अगर 3 स्टूडेंट्स ऐड करते हैं राइट स्टूडेंट्स इन ईच रो तो एक रो कम हो गई, अब आप इसको एक्सपांड करो तो एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई कैंसल राइट, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 के बदले माइनस 3 को मैं उस तरफ ले जाऊं तो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड केस डेटा, बराबर सेकंड केस में क्या है, तो अगर आप लोग देखो तो इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, 3 स्टूडेंट्स अभी लेस हो गए मतलब के y माइनस 3 पहले ऐड किया था, अब तो रो कितनी बढ़ गई वो देखो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो देयर वुड बी टू रोज मोर राइट x प्लस 2, तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो x इंटू वाई मतलब के सेम ही रहे, इज दैट क्लियर। तो अब एक्सपांड करते हैं, एक्सपांशन यू मस्ट बी नोइंग, एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई कट, अब ये उस तरफ ले जाएंगे तो 3x बिकम्स पॉजिटिव राइट, 2y बिकम्स नेगेटिव और 6 इस तरफ ही है, इसको ध्यान से देखो, मैं xy कैंसिल हो गया तो यहां पे 0 हो गया बराबर, माइनस 3x को उस तरफ ले गया तो प्लस 3x, प्लस 2y को उस तरफ ले गया तो माइनस 2y, और माइनस 6 की पोजीशन मैंने वहां की वहां रखी तो माइनस 6, आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो 2y माइनस y मतलब के y इक्वल टू 9,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है 9। अब कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 12, देयरफॉर x इक्वल टू 4, राइट। आपका x 4 आया। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x इंटू y, x आपका कितना है 4, y आपका कितना है 9, 36 हुआ बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया 36। तो आई थिंक विद्यान, राइट, तेरे खत्म हो गए पहला क्विज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो फोर्थ के बाद आई थिंक फिफ्थ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ट्रायंगल एबीसी मेजर सी 3 टाइम्स मेजर बी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इक्वल टू 2 इंटू मेजर ए प्लस मेजर बी, राइट। इन ए ट्राइंगल एबीसी मेजर सी इक्वल टू 3 टाइम्स मेजर एंगल बी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए प्लस बी, आपको तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो चलो ढूंढते हैं। अब देखो, लेट हम लोग ए के लिए कुछ सपोज करते हैं, लेट मेजर एंगल ए के लिए यूज करते हैं एक्स और मेजर एंगल बी के लिए यूज करते हैं वाई। क्वेश्चन बराबर ध्यान से समझना, राइट। नाउ ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ए प्लस 2 टाइम्स मेजर एंगल बी। ये 2 टाइम्स कैसे हुआ, तो क्या एक्सपांड किया, राइट, ऐसा लिखा। आपका ये कितना है 2x प्लस 2y, दैट इज इक्वल टू मेजर एंगल सी हुआ बराबर। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे यहां पे सी के बदले, एक मिनट, अगर आप 3 मेजर एंगल बी लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 3 मेजर एंगल बी है तो 3 मेजर एंगल बी, बी कितना है 3y, तो आपका एक इक्वेशन बनेगा 2x, 2y में से 3y माइनस करो तो माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नाउ यू गाइस आर नोइंग a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, राइट। व्हाट इज a, तो के x, व्हाट इज b, तो के y, एंड व्हाट इज c, राइट, सी 3 टाइम्स आपका ये है मेजर सी इक्वल टू 3 टाइम्स मेजर एंगल बी, तो ये आपका हो गया 3y प्लस 3y इक्वल टू 180। मतलब आपके पास दूसरा इक्वेशन भी आ गया x प्लस 4y इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ऑलरेडी आपका है 2x माइनस y इक्वल टू 0, यहां पे पड़ा है। दूसरे इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले वाले को 1 से करता हूं, राइट। तो x प्लस 4y इक्वल टू 180 बराबर, देन 2x माइनस 2x को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो 0 ही रहेगा। ये आपका 4y 4y गया तो 9x इक्वल टू 180, मतलब के 9x इक्वल टू 180, तो आपका x आ गया 20 बराबर। x 20 है, आपको y चाहिए बराबर, तो आपके पास एक और इक्वेशन आएगा मेजर एंगल y का, राइट।
तो कोई भी एक इक्वेशन में रखो, 2 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 0, आपका वाई हो गया 40, और अल्टीमेटली वाई मतलब के भी ए आया 20, वेरी सिंपल, बी आया 40, राइट, तो ऑटोमेटिकली सी आपको मिल जाएगा 40 एंड 20 60, तो 60 में कितना ऐड करो तो 180 होता है, 120। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं विच काइंड ऑफ ट्राइंगल दिस वन इज, तो ये ट्राइंगल आपका कौन सा हुआ, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्राइंगल, अगर बाय चांस पूछ लिया तो, राइट। चलो नेक्स्ट, अब है आपका फोर्थ फिफ्थ और आई थिंक सेवन्थ का फोर है, होपफुली ये देख लेने दो, 3.7 राइट, 4, 5 और सेवन का फोर्थ। चलो बहुत अच्छा समय है वो भी और लंबा चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फोर, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दो इक्वेशन है हमारे पास, राइट, और यहाँ पे ये डाउट सेशन खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं यहां से कुछ ना कुछ आपको सम्स दूंगा, राइट, और वो आपको करने के हैं। तो नाउ अब देखो, आपका यहां पे देखेंगे तो a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ये इक्वेशन हम लोग ऐसे लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, बड़ा सम है a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वेयर। एक्सपांड करेंगे तो कैसा करेंगे, देखो a प्लस बी इंटू एक्स, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, राइट, तो आप अगर ध्यान से देखो तो मैं कैसे एक्सपांड करता हूं, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, राइट। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अभी यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल एंड लॉजिकल कि अगर आप लोग देखें तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस माइनस, ये आपका ऐसा हो गया, बराबर। तो यहां पे अभी हम लोग फुल ये देखो, ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई, ये प्लस ये माइनस, तो ये पूरा कैंसल, तो यहां देखो ए एक्स माइनस बी एक्स, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर खत्म, तो माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वेयर, ऐसा आया, इज दैट क्लियर। अगर आप लोग देखें तो ए एक्स और ए एक्स खत्म, तो माइनस टू बी एक्स इक्वल टू माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, सभी जगह नेगेटिव है, ईच एंड एवरी, राइट,
तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को पॉजिटिव कर देंगे, मतलब ए हुआ आपका 2bx इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर। देखते हैं b कॉमन है 2 के साथ, तो 2b कॉमन, ब्रैकेट में a यहां से बचा और यहां से b, दैट इज इक्वल टू 2bx। तो अगर आप लोग देखेंगे ये 2b और ये 2b कट, तो आपका आंसर x इक्वल टू a प्लस b आ गया है, x आ गया, x आ गया। तो कोई भी एक इक्वेशन में राइट, या तो ऊपर या तो नीचे, मैं ऊपर रखूंगा a माइनस बी राइट, पुटिंग इन वन, ऐसा लिखेंगे पुटिंग इन वन बराबर। तो a माइनस बी इंटू एक्स के बदले हम लोग क्या लेंगे, a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसका एक्सपांड करो तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आप ऐसा ही रखो, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू वाई दैट इज इक्वल टू माइनस टू ए बी। आपको चाहिए सिर्फ y, y को वहां रहने दो, माइनस टू ए बी, ऐसा और आंसर आएगा, बट लेट इट बी। तो आपका ये x a प्लस बी और आपका y राइट माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे डाउट सेशन खत्म हो गया है राइट, अब मैं वहां पे चल रहा हूं राइट, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा 8, अंजलि गुप्ता क्वेश्चन नंबर 8, बट विच वन अंजलि, कौन सी एक्सरसाइज, क्वेश्चन 8, सेवन पॉइंट फोर, उसकी कहां टेस्ट है परसों, उसकी कहां टेस्ट है, तो फिर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8, ओके फाइन चलो। थ्री पॉइंट फोर में 8 सम है ही नहीं, 7.4 लिखा है बट 3.4 में 8 नंबर का कोई सम ही नहीं है। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, थ्री पॉइंट सेवन ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर 8, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये डी ये सी सॉरी ये बी ये ए और ये डी, यहां पे 3y-5 है, यहां पे -4x है, यहां पे 4y+20 है, और ये एंगल पे -7x+5 है। ऑप्शनल के सभी सम ध्यान से देखना, इट इज नॉट लाइक दैट दैट दे आर नॉट आस्किंग, दे आर आस्किंग, ओके। नाउ आप लोग जानते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि आपका 4y+20 -4x इक्वल टू 180, तो -4x+4y ये 20 उस तरफ गया तो 160, सभी में से -4 कॉमन निकाल दूं राइट, तो -x+y=40 इक्वेशन 1। कैसे 40 आ गया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब मेजर बी प्लस मेजर डी, बी प्लस डी कितना है, वो भी 180 है, आपका ये कितना है बी 3y-5 और डी कितना है -7x+5 दैट इज इक्वल टू 180। खास ध्यान से देखने वाला सम है राइट। नेक्स्ट वन तैयार रहे अगर किसी को डाउट है तो -7x
प्लस 3y इक्वल टू 180 हो गया इक्वेशन टू। इक्वेशन वन आपका माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 इक्वेशन वन है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट को 1 से, मतलब कि सेकंड को 1 से फर्स्ट को 3 से। माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 एंड माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 जा 120। साइन चेंज करो, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, ये तो माइनस 4x इक्वल टू 60, मतलब कि आपका x नेगेटिव आएगा, डरना मत और ये आना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा समझता है कि x की वैल्यू सर नेगेटिव नहीं आएगी राइट, तो रॉन्ग, क्योंकि ये देखो एंगल माइनस 4x है, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा। मीटिंग का टाइम भी हो रहा है। अब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 है, इसमें माइनस माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो ये 15 प्लस हो गया राइट, तो आपका वाई कितना आ गया, तो के 25। y आ गया 25, x आ गया माइनस 15, सभी एंगल ढूंढते हैं, तो कि मेजर एंगल a क्या है, a है 4y प्लस 20, 25 4 जा 100 तो 120। मेजर एंगल b राइट आपका 3y माइनस 5 है, तो 3 इंटू 25 माइनस 5 75 माइनस 5 70। मेजर एंगल c राइट आपका कितना है, माइनस 4x, तो माइनस 4 इंटू एक्स मतलब के माइनस 15, तो आपका हो गया 60 राइट। और मेजर आप लोग ये भी चेक करो कि 120 एंड 60 ए एंड सी मिलके 180 हो गया, तो के यस। एंड लास्ट वन मेजर डी जो आपका कितना है, माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5 105, 105 प्लस 5 राइट 110 एंड 70 आपका 180 हो गया, चारों एंगल भी हो गए। एंड जस्ट नाउ 8 मिनट्स टू गो, इफ देयर इज एनी डाउट नाउ 3.6 का लास्ट सम, ओके 3.6 में क्वेश्चन 1 का सम, क्वेश्चन 1 का लास्ट, लेट्स सी 3.6 क्वेश्चन 1 का लास्ट सम, मतलब के 8 जो भी है वो सुनो निधि, 3.6 में क्वेश्चन 1 का लास्ट सम मतलब के 81 इज इट 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y वाला, ओके बिफोर मीटिंग विल बी ओवर आई नीड टू कंप्लीट दैट सम। थर्ड चैप्टर प्रेसिडेंसी वाले को है, hence they must practice it, तैयार है अच्छे से सम के लिए। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8, 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 3 अपॉन 4, और दूसरा इक्वेशन है 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस y दैट इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें राइट। नाउ लेट 1 अपॉन 3x प्लस y के लिए a लेता हूं और 1 अपॉन 3x माइनस y के लिए b लेता हूं, मतलब के पहला इक्वेशन आएगा a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, बट ये 4 यहां पे जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर 4 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 3, मतलब के आपका इक्वेशन हुआ 4a प्लस 4b दैट इज इक्वल टू 3। मैं इसको नाम दे देता हूं 1। अब यहां देखना, सिर्फ हमने एज्यूम किया है 3x प्लस y को ही, 1 अपॉन 3x प्लस y, मतलब कि यहां पे क्या आएगा a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। काफी अच्छा है, यहां आप गलती कर बैठेंगे, 2a माइनस 2b ले सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो एलसीएम लेंगे तो a माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1/8, तो 2 4 जा
अब ये फोर भी इस तरफ आएगा तो फोर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, हेंस फोर ए माइनस फोर बी इक्वल टू माइनस वन। मतलब यहां पे मैं लिख दू 4a माइनस 4b दैट इज इक्वल टू माइनस 1, आपका इक्वेशन कौन सा आ गया, नंबर 2। ओके जिल, नो प्रॉब्लम, थर्ड चैप्टर सबको है, राइट, यू कैन। अब देखो क्लियरली ये हो गया, तो 4a 4a 8a, 3 माइनस 8 2 मींस a इक्वल टू 2 बाय 8 दैट इज 1 बाय 4, आपका a आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में राइट वन या तो टू में चॉइस इज योर्स, तो फोर इंटू वन बाय फोर प्लस फोर बी इक्वल टू थ्री, फोर फोर कैंसल, यहां गलती से फोर बी इक्वल टू थ्री मत करना, ये मिस्टेक हो सकती है आपकी। वन है यहां पे, वन को उस तरफ ले जाओ तो फोर बी इक्वल टू टू, दैट फोर बी इक्वल टू टू बाय फोर दैट इज हाफ। अभी तो सिर्फ a और b की वैल्यू आई है, हमारे पास 1 अपॉन 3x प्लस y दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 अपॉन 4। देखो 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन 4, देयरफॉर इनवर्स करो तो 3x प्लस y इक्वल टू 4 इक्वेशन आपका, इसको नाम दे दो 3। सिमिलरली यहां पे आपका b है, राइट, b कितना है 1 अपॉन 2, b के बदले हमने क्या सपोज किया है, 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू b, उल्टा करो तो आपका इक्वेशन आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। वापिस से एलिमिनेशन मेथड, एंड दिस आओ y y कैंसिल, 6x इक्वल टू 6, x आया 1, कोई भी एक इक्वेशन में 1 डाल दो x के बदले, दिस आओ y आल्सो यू आर हैविंग 1, सो योर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऐसे बॉक्स में रखो, इट लुक्स गुड, राइट, चेकर विल ऑल्सो इम्प्रेस। चलो ओके, इसके अलावा किसी को कोई थर्ड चैप्टर का प्रॉब्लम है, वी हैव गॉट 3 मिनट्स, तो कोई छोटा वाला हो तो पूछ लो, इज देयर एनी, नहीं तो मैं आपको एक दे दूं, राइट, बाय द टाइम। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.6 का, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, रीतु वाला, स्टिल 2 मिनट के ऊपर है, क्वेश्चन 3.6 का ही, एक क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। रीतु कैन ड्रॉ डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इनटू आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स एज वेल, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, राइट, तो लेट हर स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर ऑफ रोइंग एंड स्ट्रीम स्पीड बी वाई किलोमीटर पर आवर। आपके पास एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, राइट, तो स्पीड इनटू टाइम आप लोग देखेंगे, राइट। अब अगर टाइम खत्म हो जाए इसके पहले करना है डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हुआ आपका, राइट, डाउनस्ट्रीम उसके डायरेक्शन में जाएगा x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा x माइनस वाई, बराबर, और आपको डिस्टेंस दिया है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर, डिस्टेंस कितना है,
20 किलोमीटर, राइट, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यहां पे 2 आवर है, और अब स्पीड कितनी है x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का क्या है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू आप लोग देखेंगे तो 20/2 मतलब के 10। अप स्ट्रीम के लिए क्या होगा, अगर टाइम बचेगा तो देख लेना, नहीं तो मीटिंग के बाद। 2 आवर्स तो 2 आवर्स ही है, डिस्टेंस कितना है जस्ट 4, मतलब के x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 मतलब के 2। तो आपका 2 इक्वेशन आ गया, आई थिंक यू कैन एबल टू डू इट नाउ, यहां से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा सम है। तो आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, एक इक्वेशन x प्लस वाई ऊपर आया तो 20/2 होके 10, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई 4/2 तो 2, और यहां पे ऐसे इक्वेशन 1 एंड 2 आ गए थे, तो y y कैंसल, 2x इक्वल टू 12, तो आपका x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर उसकी रोइंग स्पीड, और y इक्वल टू कितना होगा, तो 6 प्लस वाई 10 है, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर वो स्टिल वाटर की स्पीड है, राइट, इज दैट क्लियर। नाउ दोज यू आर हैविंग डाउट दे मे राइट, नंबर लिखे, इफ नॉट तो मैं राइट और ऐसे उसकी तरह करवा दूं। All the students again, you are informed that सर की मीटिंग, सर की टेस्ट 5 बजे है, आई वॉज इन्फॉर्म टू टेल यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 3.6 का क्वेश्चन 2 का 2, वो भी कई लोगों को प्रॉब्लम है, सब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखे, ऑल द स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, हाँ बोलो, यस, हाँ हाँ ओके, ओके ओके, चलोगे नाउ इन बिटवीन डिस्टर्बेंस, देखते हैं, 2 women and 5 men कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, राइट, नॉट ओनली दैट, व्हाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इन 3 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश हर वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, राइट, तो लेट द नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, पहले कौन है, विमेन, विमेन को लेते हैं, बी एक्स, एंड लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन बी वाई, देखते जाना अच्छा सम है, राइट, राइट, टेकन बाय वुमन बी एक्स एंड मैन बी वाई, therefore work done by a woman, work done by a woman, एक जॉब करने के लिए, वन जॉब,
कितना डेज लगता है x, एंड वर्क डन बाय अ मैन उसी एक जॉब वन जॉब के लिए उसको लगता है 1/y। और अच्छा क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? वर्क डन बाय अ वुमन इन वन डे, राइट, इन वन डे कितना हुआ 1/x, एंड इन वन डे फॉर मैन 1/y। ऐसा क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेटा, तो अकॉर्डिंग टू डेटा पहला कौन सा है? पहला है टू विमेन, राइट, टू विमेन ऐसा फॉर दैट जॉब, एंड फाइव मैन, टू विमेन एंड फाइव मैन टूगेदर द फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज? 4 days. How many days? 4 days. Right? आपका number of days कितना हुआ? 4. तो आपका equation कौन सा आया? 2/x + 5/y = 1/4 equation बना पहला according to data. Right? अब according to second data. According to data ये question बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेपरों में देखा जाता है. According to second data, three women, ये number of days है, upon, right, women, three women, plus, कितने men है, right, 6 men, उनको कितना time लगता है, they can finish together in 3 days, मतलब कि आपका एक दूसरा equation बना, 3/x + 6/y = 1/3, equation number 2 हुआ, और अब हम लोग, राइट, इसको देखते हैं. लेट 1/x = a and 1/y = b. तो 2a + 5b = 1/4, एंड 3a, क्योंकि 1/x है ना, 3a + 6b = 1/3. इसको भूले नहीं. 4 to 8a + 20b, मैंने एलसीएम लिया, 4 से 4 into 2 8a + 20b = 1. 3 3s are 9a 6 3s are 18b = 1. तो 9a + 18b =, यहां पे भी 1 हुआ. अब देखो ये इक्वेशन, इसको आप थर्ड दे दो, इसको फोर्थ दो, पहले वाले को 9 से, दूसरे वाले को 8 से. तो यहां पे मैं इक्वेशन लिखता हूं, 72a + 29 180b = 9. 9 8s are 72a 18 8s are 144b = 8, -36 b = 1. तो आपका b कितना आया? 1/36. कोई भी एक इक्वेशन में रखो, राइट, 72a 180 into 1/36 = 9. 36 5s are 9 - 4, राइट, कितना हुआ? 9 - 5 = 4. तो a = 4/72 1/18. हमने यहां पे उल्टा सपोज किया है, राइट, x = क्या है? 1/a. तो आपका 1/a मतलब 18 डेज हुआ. विमेन को एक जॉब के लिए कितना टाइम लगता है, राइट, विमेन को एक जॉब के लिए कितना टाइम लगता है? क्योंकि विमेन को 18 डेज लगता है और मैन को डबल डेज लगता है. दैट्स गुड. इज दैट क्लियर? और किसी को कोई सम है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी को कोई ऑप्शन या तो किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट, तो और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं.
ऐसे डाउट्स रहते हैं तो अभी नहीं पूछते हैं, बाद में डाउट्स खड़े हो जाते हैं। तो प्लेसिस वाला सम वापिस से बता दूं, जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन। नाउ 3.6 का एक और क्वेश्चन है, 3.5 का है, सॉरी 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का, नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो वो खास देखते जाना, 3.7 का 2 अभी ठहरो मैंने ले लिया। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अवे अपार्ट, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से एक कार स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार यहां से स्टार्ट होती है और इनको पहुंचना है मान लो के यहां क्यू, ये स्टॉप पे। ए अपनी जगह से स्टार्ट करता है, बी अपनी जगह से स्टार्ट करता है, राइट। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, मतलब ए भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, एट अ डिफरेंट स्पीड, तो लेट स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ कार बी बी वाई किलोमीटर पर आर, बराबर। अब पहले उसका जो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर ए और बी के बीच में, तो हम लोग अगर यहां पे ऐसा लिखे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, खास याद रखना स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, तो क्योंकि 100 किलोमीटर है, बराबर, टोटल डिस्टेंस अपना यहां पे 100 किलोमीटर है। अब पहले वाले में अगर आप लिखेंगे, राइट, तो हमको, हमारे पास डिस्टेंस ए भी है, तो पहला डिस्टेंस ए क्यू और दूसरा इसमें से माइनस करेंगे बी क्यू, राइट, ए क्यू माइनस बी क्यू डिस्टेंस। पहले वाले का डिस्टेंस ए बी मतलब के कितना है 100, यहां पे स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार एक्स है, डिस्टेंस आ गया 100, ए क्यू डिस्टेंस आपको पता नहीं है, बट डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, इसका टाइम कितना लिया इसने वहां तक पहुंचने का, तो वहां तक पहुंचने का टाइम उसने लिया 5 आवर्स। बी ने यहां से स्टार्ट किया पर धीरा होगा, राइट, उसने भी वहां तक पहुंचने का टाइम, उसकी स्पीड वाई और टाइम लिया 5, मतलब 5x-5y इक्वल टू कितना हो गया 100। तो x-y इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो आपका एक इक्वेशन बना x-y इक्वल टू 20। अब दूसरी बार वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये इधर से और ये इधर से, और वो दोनों मिलेंगे लाइक दैट। तो एबी इक्वल टू व्हाट, एपी प्लस पीबी, एबी डिस्टेंस 100 ही रहेगा, यहां पे भी डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसकी कितनी है एक्स, टाइम उसने कितना लिया, तो कि वहां पे आने का ओनली 1 आवर, और यहां पे वाई ने भी कितना लिया, वाई इंटू 1, मतलब कि आपका x प्लस y इक्वल टू 100 हो गया, राइट, इक्वेशन 2, x माइनस y हो गया 20, राइट, आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, राइट। तो x प्लस y इक्वल टू 100, x माइनस y इक्वल टू 20, इक्वेशन 2 एंड 1, y कैंसल, 2x इक्वल टू 120, हेंस x इक्वल टू स्पीड i, पहले कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर,
और 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो दूसरी कार की स्पीड वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सम है ये, थोड़ा और डिटेल में लिखना। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट पहले वाले का स्पीड कितना है, टाइम कितना है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। अब समवन रॉट इट 3.7 का 2, वेट चलो थ्री पॉइंट सेवन का क्वेश्चन नंबर टू। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर टू। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। लेट द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स एंड द अदर बी वाई। अब पहला वाला बोलता है वन सेज, मतलब एक्स सेज, तो अकॉर्डिंग टू डेटा क्या है, राइट, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच यू। वन सेज गिव मी 100, गिव मी 100 मतलब के सामने वाला उसको 100 देता है, इसके पास 100 आता है, 100 आया, एट द सेम टाइम सामने वाले के पास से 100 गया, तब ये जो है जो फर्स्ट वन बोलता है एक्स सेज गिव मी 100, वहां से 100 जाएगा, यहां पे 100 मिलेगा, राइट, तो उसकी इनकम डबल हो जाएगी टू टाइम्स। सो एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। इक्वेशन लेते हैं एक्स माइनस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन वन। चलो ओके, अब दूसरा वाला बोलता है मतलब कि y सेज बराबर, इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज देते हो मतलब x में से 10 जाएगा, राइट। अब अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10, उसको 10 चाहिए तो सामने वाले से 10 गया, आई सेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू 6 टाइम, तो y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60, राइट, 6x माइनस y, तो ये 60 को उस तरफ ले जाओ तो 70, इक्वेशन टू आपका आ गया। अब रखो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 6x माइनस y इक्वल टू 70, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला वाला अभी भी वैसा का वैसा और दूसरा वाला 6 टू जा 12x माइनस 2y इक्वल टू 70, टू जा 140, माइनस प्लस माइनस, माइनस 11x इक्वल टू माइनस 440, राइट, तो आपका x आया 40, 11 फोर जा 40 रुपीज आया, पहले के पास ओरिजिनली 40 था, दूसरे के पास कोई भी एक इक्वेशन में रखो तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 है, तो 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 मतलब के माइनस 2y इक्वल टू माइनस 340 मतलब के y इक्वल टू 170 रुपीज दूसरे वाले के पास है। आप रीचेक भी कर सकते हो, अगर ये दे दे 100 तो उसके पास 70 रहेगा, राइट, तो इसके पास 40 तो डबल हो गया, राइट, दस आओ ये आपका क्वेश्चन है हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो लिख दो, राइट, नहीं है तो फिर एक आध सम मैं भी करवा दूं, राइट, और किसी को कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट, डाउट है तो लिख दो।
चलो nobody is having doubt. तो मैं आपको करवा दूं एक बहुत बड़ा सम है इलास्ट्रेशन बोर्ड वाला एग्जाम्पल 19 जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो देखे those who are having textbook. आज पूरे चैप्टर नंबर 3 का ही हुआ है वो अपना रह गया है सेशन. नाउ इलास्ट्रेशन कम एग्जाम्पल नंबर 19 चैप्टर नंबर 3 चलो ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम. बोट गोज कितना 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड एट द सेम टाइम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स बराबर 10 घंटे में और दूसरे इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम राइट. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. तो स्ट्रीम का भी स्पीड और बोट का आप जनरली क्या बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है. लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर बराबर. बोट स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रीम स्पीड इतना याद रखना ऑलवेज नहीं तो बोट पीछे जाएगी. ये 7 नहीं है ग्रेटर देन है स्पीड. नाउ एज यूजुअल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर. पहले वाले में कितना टाइम है 10 आवर्स फर्स्ट केस नंबर 1 फर्स्ट केस 10 आवर्स है. अपस्ट्रीम के लिए माइनस है और डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस है और पूरा जर्नी टू एंड फ्रो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. दैट्स व्हाई ओवर हियर इट इज प्लस. तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और आते वक्त 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टोटल जर्नी 10 आवर्स केस 1. केस 2 लेते हैं केस 2 13 आवर्स है तो टाइम 13 आवर्स राइट. डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम राइट. ऐसे दो इक्वेशन बने. Is that clear? अब assume करते हैं let 1 upon x plus y equal to a and 1 upon x minus y equal to b. मतलब कि ये equation आपका बना 10 equal to 30b plus 45a. ये equation आपका बना 40x minus y के लिए क्या लिया है b तो 40b और ये आपका 55a. ऐसा हम लोग ले लेंगे बराबर. तो इक्वेशन आपका क्या हुआ 55a प्लस 40b इक्वल टू 13 और यहां पे 44a प्लस 30b इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब 55 एंड 44 लिटिल बिट डिफरेंट डिफिकल्ट सॉरी. यहां पे 40 इंटू 3 एंड 30 इंटू 4 इक्वेशन को ऐसा 1 को 3 से दूसरे को 4 से 55 is a 165A, 120B, 13 is a 39. 44 4s are
176a प्लस 120b इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये आपका माइनस 1 इक्वल टू 11a, तो a आपका आया 1 अपॉन 11। कोई भी एक इक्वेशन में राइट रखेंगे तो 55 इंटू 1 अपॉन 11 प्लस 40b इक्वल टू 13, राइट, ये 5 को उस तरफ ले जाओ तो कितना हो जाएगा 8, 40b इक्वल टू 8, तो b आया आपका 1 अपॉन 5, b आया 1 अपॉन 5, a आया 1 अपॉन 11। अब देखो आपके पास 1 अपॉन x प्लस y दैट इज इक्वल टू a, राइट, a आपका कितना आया है 1 अपॉन 11, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू कितना आया 11। दूसरा 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू b है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 है, मतलब x माइनस y इक्वल टू कितना है 5। वापिस आपके दो इक्वेशन आ गए, x प्लस y इक्वल टू 11, x माइनस y इक्वल टू, इसको हम लोग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दे देंगे, राइट, तो y कैंसल, 2x इक्वल टू 16, मतलब कि x आया 8 किलोमीटर पर आवर और आपका y आया राइट 3 किलोमीटर पर आवर। याद रखना बहुत अच्छा सम है, राइट, टाइम का भी आगाज हो गया है, तो आई थिंक स्टिल सम टाइम देयर। और किसी को कोई डाउट है तो नंबर लिखे, इफ नॉट मैं मेरे अपने आपसे करवा दूं, राइट। चलो ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो लोगों ने आज मीटिंग अटेंड की है उनको बहुत सारा कुछ तो आ गया होगा। 3.4 का सेकंड का थर्ड, 3.4 का सेकंड का थर्ड, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड देखते हैं। The sum of the digit of a two digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. Let ये 3.4 का question number 2 का 3. The number at tens digit be x and number at unit digit single digit b y tens digit x। अब इसने पहला according to data अच्छा समझ है, थ्री पॉइंट फोर का अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू डेटा सम ऑफ द डिजिट कितना है 9, मतलब के x प्लस y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 बन गया। अब व्हाट इज टू डिजिट नंबर, तो ओरिजिनल नंबर खास देखना, ओरिजिनल नंबर आपका 10x प्लस y हुआ क्योंकि ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, और हम लोग जब नंबर को रिप्लेस राइट अगर रिवर्स करते हैं राइट तो न्यू नंबर बनेगा, उल्टा हो जाएगा, टेंस बिकम यूनिट एंड यूनिट बिकम्स 10 वाई प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू डेटा खास देखना वो क्या है,
सो अकॉर्डिंग टू डेटा नाइन टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. नाइन टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. फाइंड द नंबर. अच्छा क्वेश्चन हो गया. 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x. 88x इक्वल टू 11y. दोनों में 11 कॉमन निकाले तो 11y इक्वल टू 0. 11 कॉमन, 11 गया नीचे, मतलब के आपका इक्वेशन हो गया 8x माइनस y इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2, पहला आपका इक्वेशन तैयार है x प्लस y इक्वल टू 9. अब ये क्वेश्चन कुछ कुछ लोगों को भारी पड़ सकता है, राइट? तो YY कैंसल, 8x प्लस x, 9 इक्वल टू 9, x आ गया आपका 1, x 1, तो 1 प्लस y इक्वल टू 9, y आ गया आपका 8, तो व्हाट इज योर नंबर? 10x प्लस y, 10 इंटू 1 प्लस y, राइट? आपका नंबर हो गया 18, तो दैट वॉज 18. So